आज 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन अयोध्या से चलते हुए गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक दुर्घटना में जल गई। कट, व्हाट हैपेंड? सर, साबरमती एक्सप्रेस का जलना एक दुर्घटना नहीं थी सर। तो फाइनली दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सिनेमा की तरफ से आ रही वन ऑफ द मोस्ट मचावेटेड अपकमिंग मूवी द साबरमती रिपोर्ट के बारे में और जानेंगे कि क्या रहा इस मूवी से बड़ा अपडेट, कब तक होगी यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज और तो और इस मूवी में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसी मूवीज के ढेर सारे अपडेटेड वीडियो हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मूवी द साबरमती रिपोर्ट एक अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज ड्रामा थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसको अपना शानदार डायरेक्शन देते हुए नजर आए हैं धीरज शरण। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे बॉलीवुड सिनेमा के शानदार एक्टर विक्रांत मैसी, जिनका इस मूवी में साथ देती हुई नजर आएंगी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस मूवी से आ रहे बड़े अपडेट की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 19 सितंबर को इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी का एक नया शानदार पोस्टर आउट किया है और उसके साथ ही ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को भी कर दिया गया है पोस्टपोन। जी हां दोस्तों, जहां आज ही के दिन कंगुआ और द साबरमती रिपोर्ट मूवी को कर दिया गया है पोस्टपोन, जहां कंगुआ मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी 14 नवंबर को, वहीं द साबरमती रिपोर्ट आपको सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी 15 नवंबर को। जहां इससे पहले इस मूवी के मेकर्स इसका एक शानदार ऑफिशियल टीजर आउट कर चुके हैं, वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के मेकर्स ने इसके ऑफिशियल ट्रेलर को लेकर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है उसके मुताबिक दोस्तों, इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर अक्टूबर के थर्ड वीक में रिलीज किया जा सकता है, जिसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट इस मूवी के मेकर्स जैसे अनाउंस करते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साइड में दिया बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।